सो हे अनस हम कौशल एंड आज है फुल स्टॉक जो कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक महीने बाद आ रही है। आई नो काफ़ी देर बाद आ रही है पर कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो आज की वे फुल स्टॉक जो है, जैसे कि आपको पता है पास्ट के ऊपर है कि भाई मैं पास्ट के फेलियर से सीखूं क्या, उन्हें बस भूल जाऊं कि अगर मैं, क्योंकि अगर मैं सीखने लगता हूं, मतलब सोचने लगता हूं कि मैंने पहले क्या गलतियां की थी, ये किया था, मुझे सारी चीज़ें मतलब गलत होने लगती मेरे साथ। जैसे कि एनजाइटी होती है, मुझे मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो लो होता है, मुझे मैं अपने आप को बोलने लगता हूँ यार पहले मैं ये चीज़ तो कर नहीं पाया था, अब क्या खाक करूँगा, ठीक है, मतलब ऐसी चीज़ें होने लग जाती है, तो क्या करूँ। इन सब का जवाब आपको मिलेगा इस वीडियो में, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब पहले मैंने सोचा था यार कि हैशटैग आंसर मी में से डालने पर ये फुल स्टॉक क्यों बनी। सुनो, कोई एक बंदा पर्टिकुलर कमेंट होता है उसको उठा के हैशटैग आंसर मी में डाल दिया जाता है, अगर काफ़ी लोग कमेंट करते हैं उसको हम डालते हैं फुल स्टॉक में, जो काफ़ी लोग करते हैं फुल स्टॉक में। तो ये बहुत ज़्यादा लोगों ने किया, सिर्फ मेरे चैनल पे नहीं, जैसे कि मेरी सब्सक्रिप्शन लिस्ट आप देख ही सकते हो, ठीक है, आप प्राइवेट तो है नहीं, तो उसमें मैंने जितने भी लोगों को सब्सक्राइब किया है, इनफैक्ट जितनों को नहीं भी किया उनकी वीडियोज़ देखता हूँ मैं, उनको भी बहुत कमेंट आते हैं, मतलब मोस्ट बंदों को ये क्वेश्चन रहता है। तो सॉरी गाइज अगर आपको कुछ नॉइज़ आ रही हो, बिकॉज यहाँ पे बुलेट वगैरह बहुत चल रहा है आज, पता नहीं ये कौन बंदा है जो चला रहा है, मुझे तो पसंद ही नहीं है, इनफैक्ट नॉइज़ बहुत होती है वो सब। एनीवेज आज की फुल स्टॉक शुरू करते हैं। तो गाइज़ ये वीडियो का आइडिया या फिर ये टॉपिक या फिर आप कह सकते हो ये थॉट जो है ये मुझे कहाँ से आया, भाई मैं चला रहा था कार, आई नो आई एम अंडर एज पर सिर्फ प्रैक्टिस के लिए खाली रोड पे चला रहा था, तो वहाँ पे जब चला रहा था देन आई गॉट नो, मतलब पता नहीं मुझे ऐसा एग्जैक्ट तो नहीं याद कि थोड़े हफ्ते पहले की बात आई नो कि 3-4 हफ्ते हो गए, तो मैं कार चला रहा था, ऐसा कोई थॉट आया था दिमाग में कि ऐसा भी कुछ, मतलब इस तरीके से लोगों को ये चीज़ समझाई जा सकती है, ऐसा कुछ आया था, तो वीडियो शुरू करते हैं। तो क्या होता है भाई, इतना तो आपने सुना होगा कि लाइफ एक सिंगल हर्डल नहीं है, ठीक है, लाइफ चलती रहती है, लाइफ कॉन्टिन्यूस है, तो एक रोड है लाइफ, ठीक है, तो रोड नॉट टेकन याद आ गई मुझे, पर एक रोड है, आपको उस पर चलना है। तो लेट्स से आप कार चला रहे हो अपनी लाइफ में, अब तुम भैया कह रहे हो कि मैं क्या पीछे देखूं, मतलब अगर मैं पास्ट की तरफ देखता हूं तो ये सब होता है। अब ये सब इश्यूज एग्जैक्टली जैसे मैं बोल रहा हूँ हो सकते हैं तुम रिलेट ना कर पाओ, पर अपने आप से सोच के देखो क्या कभी हुआ है ऐसे मेरे साथ, क्या कभी होता है भाई पहले दो स्टार्ट बटन रखे थे वो तो गलत हो गए, अब तीसरा क्यों ही करूँ मैं, छोड़ो भाई, पहले मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने की कोशिश की थी वो तो हुई नहीं थी, अब कोडिंग क्या खाक करूँगा, छोड़ो, ऐसी चीज़ें भाई, पहले मैंने फिजिक्स का ये चैप्टर पहले भी तो खोला था, पहले तो मुझसे हुआ नहीं था, अब क्या पेपरों के पास खाक हो गए जब मेरे पास सिर्फ 2 घंटे हैं, छोड़ो, ऐसी चीज़ें होती है ना। तो ये जो पास्ट है, अब ये चैप्टर वगैरह तो छोटा सा हो गया, पर ये छोटी छोटी चीज़ें बिल्डअप आपका ना जो कॉन्फिडेंस है वो नीचे करती रहेंगी, जब कुछ बड़ा करना होगा ना लाइफ में वो आपसे होगा नहीं। अब बड़े से मेरा मतलब है कि कुछ भी समझ रहे हो, कुछ नई चीज़ सीखनी या फिर किसी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना या फिर कोई आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है पर आप उसे सोचने लग जाओ कि यार करूँ ना करूँ, आपके गोल से भी रिलेटेड है, आपका फ़ायदा भी होगा इसमें, आपका इंटरेस्ट भी है उसमें, फिर भी आप उसके बारे में सोचोगे भाई, हाँ मतलब थोड़ा बहुत सोचना ज़रूरी है पर उसके बारे में सोचते ही रहना और बाद में मना कर देना वो तो कहाँ सही है, राइट। सो करना क्या है, मैंने क्या सोचा था कि भाई कार चलाते हैं हम, मेन फोकस हमारा कहाँ होता है, हमारा आगे होता है, तो वैसे यार आपका मेन फोकस आगे होना चाहिए, अपने फ्यूचर की तरफ होना चाहिए, पास्ट की तरफ नहीं होना चाहिए, सीधे देख के गाड़ी चलाओ, ठीक है, सीधा सामने, फ्यूचर क्या है मेरा, उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आती है, आपकी गियर वगैरह, ठीक है, गियर हो गई, क्लच हो गया, वो सब चीज़ें। तो वैसे यार हमारी लाइफ में है कि हमने आगे देख लिया, अच्छा मैंने ये सब करना है, आपने देखना है कि अभी क्या है, तुमने सोचा कि मैंने यहाँ से यहाँ 1 मिनट में पहुँचना है कार से, और अभी मैं कौन से गियर पे हूँ, पहले पे नहीं पहुँच सकता 1 मिनट में, मुझे तीसरे गियर पे आना होगा, तो आप ग्रेजुअली 2nd पे आओगे फिर 3rd पे आओगे, वैसे ही अभी मैं कितने घंटे पढ़ सकता हूँ, 1 घंटा, भाई 1 घंटा पढ़ के मेरा सिलेबस पूरा नहीं होगा, मुझे 1 से 3 घंटे पर डे पे आना होगा, 4 घंटे पर डे पे आना होगा। अब इसको कोई भी चीज़ से रिलेट कर सकते हो आप, ठीक है, ज़रूरी नहीं पढ़ाई से ही, ठीक है, कि मैं एक दिन में कितनी वीडियोज़ देख सकता हूँ कोडिंग की, मतलब ऐसी नहीं वीडियोज़ देख सकता हूँ, कितनी कोडिंग सीख सकता हूँ, भाई पहले मैं 1 वीडियो देख पाता था, मुझे ग्रेजुअली 3 पे आना है, 4 पे आना है, तभी मेरा हो पाएगा, वो चीज़ आपको करनी है, ठीक है, गियर वगैरह पे ध्यान रखना है, ये होगी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि गियर वगैरह पे अपने आप पे कि मैं अभी कैसे हूँ और वहाँ तक पहुँचने के लिए इस टाइम में मुझे कितना अपने आप को चेंज करना होगा, कितना गियर चेंज करना होगा अंदर से, इंटरनल कितना चेंज करना होगा, ना आगे ना पीछे, प्रेजेंट कितना चेंज करना होगा, राइट। उसके बाद आती है तीसरी चीज़ जिसके बारे में ये वीडियो है, पास्ट, क्या है, पास्ट,
भैया ये जो पास्ट है ना, ये आप नहीं मुझे समझा पाओगे। ये तो बहुत मतलब ऐसा है कि मैं उसके बारे में सोचता रहता हूँ, मुझे बड़ा वो होता है अंदर से, बहुत गिल्ट होता है यार कि मैं पहले वो काम शुरू किया था, वो भी किया था, चार काम शुरू किए थे, एक भी ख़त्म नहीं कर पाया, तो क्या करूँ, एक भी चीज़ नहीं सीख पाया तो क्या करूँ। तो इसका मेरा जवाब है भाई कि देखो, तुम यार गाड़ी चला रहे हो, जैसे मैंने कहा आगे देख रहे हो और यहाँ पे, ये मेन चीज़ है, पर ऐसा नहीं है कि यार तुम पास्ट जो है उसे भूल जाओ। अगर तुम पीछे देख ही नहीं रहे तो तुमसे ख़राब ड्राइवर इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ है, ये चीज़ समझो। अब पीछे नहीं देख रहे का मतलब ये नहीं कि नहीं, यहाँ पे तुम्हारे पास है चीज़ें कि हाँ भाई यहाँ पे शीशे हैं दो, यहाँ पे भी है, और अगर तुम्हारी कार वो वाली है तो यहाँ पे भी, मतलब स्क्रीन पे भी तुम्हारा बैकग्राउंड का कैमरा जो है वो आ जाएगा, राइट? तो तुम्हारे पास इतने कैमराज हैं। अगर तुम बिल्कुल ऐसे पीछे देख रहे हो तो भी तुम्हारा एक्सीडेंट होना पक्का है, कि भाई पास्ट के बारे में सोच ही जा रहे हो तो भी तुम्हारा एक्सीडेंट होना पक्का है। तुम्हें पास्ट की तरफ देखना है, सिर्फ एज अ हेल्प जो तुम्हें आगे निकलने में मदद करे। कैसे भैया, एग्जैक्टली समझाओ कि देखो, तुमने स्टार्टअप ट्राई किया, नहीं हुए दो, मान लिया नहीं हुआ, आगे तुमने सोचा यार ये तीसरा स्टार्टअप है और ये सबसे बड़ा स्टार्टअप है अभी तक का मेरा, मैं इसे शुरू करूँगा। चलो ठीक है, मैंने सोचा है कि मैं इसे 10 तक लॉन्च कर दूंगा या कुछ कर दूंगा, कुछ भी, ठीक है जी। तो आज क्या है, आज है 28, अगले 10 तक मैंने करना है। अभी मैं किस पेस पे काम कर रहा हूँ इसके ऊपर, मैं रोज़ के 2 घंटे दे रहा हूँ, 2 घंटे में होगा नहीं, तो मुझे इस 2 घंटे को जो दूसरा गियर है उसके 5 पे लेके जाना पड़ेगा या 6 पे लेके जाना पड़ेगा, ठीक है? तो वो तुम्हें करना है, वो तुमने कर लिया। अच्छा, अब इससे बचने के लिए कि भाई तुमने जो पिछले में गलतियां की थी वो फिर से ना करो, तुम्हें पीछे देखना है, अच्छा पहले क्यों फेल हुआ था मैं, इस बार नहीं मैं वो करूंगा, क्यों हुआ था, इस बार नहीं मैं करूंगा, क्यों हुआ था, इस बार नहीं मैं करूंगा, कोई सक्सेसफुल भी हुआ था वो क्यों हुआ था, इस बार मैं वो फिर से करूंगा, उससे अच्छा करूंगा, क्योंकि उससे ज़्यादा सक्सेस चाहिए आपको, राइट? तो वैसे आप चलोगे, तो वैसे ही है यार कि पास्ट की तरफ आप ऑब्वियसली देखते तो नहीं रहोगे, देख तो सकते ही नहीं, पर अगर तुम यहाँ से जा रहे हो, क्या कर रहे हो तुम, इस रास्ते पे जा रहे हो यार, मेरी वीडियो में हर गलत चीज़ होनी ही होती है, ट्रेन आ जाएगी, बुलेट आ जाएंगे, बाइक्स, हर चीज़, प्लेन भी आ जाएंगे, अब तो हेलीकॉप्टर आके मेरे यहाँ पे आसपास घूमने आएंगे, यहाँ पे कोई चीज़ें कारें वगैरह चल रही है, लेट से तुम्हें ओवरटेक करना है उन्हें, तुम्हें ओवरटेक करना पड़ेगा, इतनी चीज़ क्लियर हो रही है, तुम्हें ओवरटेक करना है। अगर तुम उसको ओवरटेक करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी लेन क्रॉस करनी होगी, चेंज करनी होगी ना, ऐसे ऐसे जा रहे हो, तुम्हें ऐसे जाके ऐसे आगे जाना पड़ेगा, पर अगर तुम ऐसे जाके ऐसे आगे जाओगे तो क्या होगा, सोचो। पास्ट, पास्ट को देखना ज़रूरी है इस काम में, तो आपको पास्ट को देखना ही होगा ऑब्वियसली, अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो, जैसे मैंने कहा अगर ओवरटेक करना चाह रहे हो ना, तो पास्ट को देखो, पास्ट को देखो बस, कि हाँ कुछ कुछ आ तो नहीं रहा पीछे से, जो पिछली बार गलती कर रहा था फिर से तो नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, बढ़ जाओ आगे, कर रहा है तो रुको, उसी लेन में रुको, सोचो इसको मैं कैसे सही कर सकता हूँ, उस गलती को सही कर दिया तुमने, अब आगे तुम निकल जाओ, राइट? सो यही थी यार, छोटा सा थॉट आया था दिमाग में। वीडियोस अब रेगुलर होगी, मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, वैसे तो एग्ज़ाम में मैंने कुछ खास पढ़ाई की नहीं आई, पर पता नहीं रीज़न मेरे पास वैसे कोई है नहीं। एंड इनफैक्ट मैं 11 महीने बाद क्रिकेट खेलने गया, मतलब हैंगिंग बॉल से तो घर पे खेलता हूँ, पर वो जो असली फील होती है ना क्रिकेट की, 11 महीने बाद, मस्त। सो तब तक के लिए चलते हैं यार, आई होप आपको कुछ समझ आया होगा इन सब में, कुछ कुछ दिमाग में पल्ले पड़ा होगा, थोड़ा मतलब पॉजिटिव रहोगे अपनी लाइफ को लेकर। एंड नाउ मेरा फेवरेट डायलॉग, अगर ट्राई करोगे यार तो ही आएगा, अगर पास्ट के बारे में सोचते रहोगे, उस उन्हीं ख्यालों में खोए रहोगे, ठीक है, अपने आप को गिल्टी फील कराते रहोगे, तो तुमसे ना हो पाएगा। नमस्ते, जय हिंद।